बराक ओबामा के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर भारतीय उद्योग जगत खुश है। पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर ने उम्मीद जताई है कि ओबामा के लौटने से कन्फ्यूजन खत्म होगा और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में सुधार होगा। नॉर्मल इम्प्रेशन जो मैं लोगों से बात करता हूँ, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, दुनिया में, यूरोप में, इतना फर्क नहीं पड़ने वाला था। और इंडिया के लिए कॉन्टिन्यूटी रहती है। हम जानते हैं ओबामा को, जब वो आए थे यहाँ पर, मैं भी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में था जब उन्होंने भाषण दिया और हमारे लिए बोला कि हाँ, इंडिया शुड बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। होने वाला नहीं है फॉर वेरियस रीजन, बट सब कुछ ठीक है मेरे समझ में। एंड आई थिंक फॉरेन पॉलिसी में भी डिफरेंस नहीं था, बट इन फॉरेन पॉलिसी इन टोटैलिटी आई प्रेफर ओबामा'स पॉलिसी। ओबामा प्रेसिडेंसी हैव बीन गुड एंड द कंटिन्यूटी आई थिंक विल बी गुड फॉर इंडिया एंड वी ओनली होप नाउ दैट इन द नेक्स्ट टू मंथ्स प्रेसिडेंट ओबामा इज एबल टू ओवरकम द फिस्कल क्लिफ। So he has about 2 months to do it, and if that is done, I think the U.S. strongly, and that will help India also. While there was some dead heat being reported in the last few days, I think it was reasonably clear that President Obama will make it in the second term, and I think this is good for India. There will be continuity. The India-U.S. CEO forum, on which I am a member, will continue to take the agenda forward. In the previous elections, we saw Mrs. Clinton going very heavy on outsourcing. And once they were in power, we didn't see any of that impacting our outsourcing businesses or relationships.